तो गाइस कैसे हो आप सभी। तो गाइस होपफुली गाइस आप सभी अच्छे होंगे। और गाइस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूले। और गाइस आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और गाइस आज हम जाएंगे अपने जो खेत है वहाँ पे क्या क्या हमने उगा रखा है उसी के रिगार्डिंग आज ब्लॉग रहेगा। और मैं आपको हमारा जो खेत वगैरह है कहाँ पे है वो भी मैं दिखाऊंगा। तो गाइस वीडियो को अंत तक बने रहेगा और गाइस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूले। और गाइस मैं आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। तो गाइज मैं आपको अपना जो खेत है उसका व्यू दिखाता हूँ कि हमारे इधर हमने क्या क्या लगा रखा है खेत में और क्या क्या है हमारे इस खेत में। तो गाइज इधर की तरफ हमने जो अनार्स वगैरह लगा रखी है जिसमें अनार्स लगना स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पे हमने एक जो लेसवे का पेड़ लगा रखा है। और पीछे की तरफ जो सर जो ये आता है हमारे ड्रम्स नहीं आते जो सेनने की फली बोलते हैं हम जिसे राजस्थान में, वह जो पेड़ है यह वह पेड़ है। और पीछे की तरफ आप मेरे देख पा रहे होंगे हमने पीछे की तरफ चारा वगैरह कर रखा है जहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। यह है चारा हमने जो हमारे भैंस वगैरह या बफेलो रखते हैं उसको डालते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ उनको रखने के लिए कुछ बना रखा है टेन का जहाँ पे हम जो हमारे एनिमल्स या जानवर है उनको वहाँ पे रखते हैं। और इसमें मैं आपको और दिखाता हूँ हमने यहाँ पे क्या क्या रख रखा है। और यहाँ पे हमने इसको तो यहाँ पे हमने इस भैंसों के लिए चारा वगैरह डाल रखा है इसके अंतर्गत। और यहाँ पे हमने कुछ अनार्स वगैरह के भी पेड़ लगा रखे हैं जहाँ पे अनार्स लगना स्टार्ट हो चुकी है। और मैं आपको यहाँ पे हमने कुछ बाजरा वगैरह भी बो रखा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमने बाजरा वगैरह लगा रखा है जो आपको ग्रीन ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा होगा। और आगे की तरफ हमने रिजका वगैरह कर रखा है, कल मैंने ही इनको पानी वगैरह दिया था। तो इधर की तरफ हमने कुछ अलग से यहाँ पे जाने के लिए रास्ता बना रखा है। और यहाँ पे वो अनार मैंने आपको बता ही दिए। और यहाँ पे हम जो अपने पशु वगैरह उनको रखते हैं। और आप दूर दूर तक देख पा रहे होंगे हमारा खेत है। और हमारे यहाँ पे पानी वगैरह भी कुछ खास नहीं है, मतलब पानी नमकीन है और खारा है। और पीने के लिए हमें अलग से कुछ टैंकर्स वगैरह गिराने पड़ते हैं। और इधर हमने कुछ ड्रम्स वगैरह भी भर रखे हैं जानवरों को पानी पिलाने के लिए। और यहाँ पे हमने कुछ अलग से जो उनको सिंचाई करने के लिए अलग से फुहारे वगैरह और पाइप्स वगैरह भी हमने ला रखे हैं जो हमारे जो फसल होती है गेहूं वगैरह और जो वगैरह को हम पानी वगैरह इन्हीं फुहारों के माध्यम से देते हैं। तो होपफुली गाइस यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो हमें आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूले गाइज़।